हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से जोक्ता एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदी की एक सीरीज चला रहे हैं और उसमें हम आपको भाषा, वर्तनी और शब्द विचार पढ़ा चुके हैं। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा समास। और बच्चों, हम आपको बता दें कि समास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एनटी हो, चाहे एचएसओ हो, चाहे आपका ये एसआई हो, इन सभी में समास जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आज का जो विषय है हमारा वो समास है ही। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि समास शब्द जो है उसका अर्थ क्या है, उससे हमारा क्या आशय है। तो समास शब्द जो है उसका अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप यानी छोटा, संग्रह भी होता है, हमने यहाँ लिखा नहीं है, सम्मेलन। तो जो हमारा समास है इसका जो अभिप्राय होगा यानी इसका जो अर्थ होगा वो होगा संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब हुआ छोटा करना। तो इसके अनुसार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसे हम समास कहते हैं। अर्थात समास की जो प्रक्रिया में दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है वो कैसे होता है, किस तरह से होता है, उस क्रिया को हम समास कहते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये एक शब्द है और एक दूसरा शब्द ये है, यानी ये दो शब्द हैं, ये यहाँ से आए, ये यहाँ से आए और एक हमारा नया शब्द बन गया। तो इस शब्द का और इस शब्द का पास पास आने की जो क्रिया हुई वो हमारी समास कहलाती है। और जब ये दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं समस्त पद। अब एक बात आपको और बता दें, अब हम समास आपको पढ़ा रहे हैं तो हम शब्द की जगह पर पद का इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर हम पद कह रहे हैं तो आप समझ जाइए कि हम शब्द की बात कर रहे हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों का पास पास आना और एक नया शब्द बनाना, इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को हम समास कहते हैं। अब समास जो देखिए, वैसे उदाहरण देख लेते हैं पहले, ये देखिए विद्यालय, तो ये समस्त पद है। अब इसका हम अगर अलग अलग करें इसका, तो इसके अंदर दो शब्द छुपे हुए हैं, एक विद्या और एक आलय। हमने क्या किया, विद्या और आलय को आपस में मिला दिया और हमने उसका संक्षिप्तीकरण कर दिया यानी उसको छोटा कर दिया। ये देखिए यहां पर हमने आपको विग्रह कर बताया है, ये देखिए ये शब्द है आपका, ये डाक गाड़ी। अब डाक के लिए गाड़ी, तो ये हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया, विग्रह कर दिया। जब हम समस्त पद को अलग अलग करते हैं तो वो क्रिया कहलाती है समास विग्रह। इकट्ठा करते हैं तो समस्त पद बनता है, समस्त पद को जब हम अलग अलग करते हैं तब वो जो क्रिया है वो कहलाती है समास विग्रह। तो आगे बढ़ते हैं, समास के छह भेद होते हैं और सबसे पहला होता है अव्यय भाव, फिर तत्पुरुष, फिर कर्मधारय, उसके बाद द्वंद्व और द्विगु और बहुव्रीहि। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आप सभी स्टूडेंट्स रखेंगे, ये ब नहीं है, हमने एक वीडियो में आपको बताया था वी है ये, बहुव्रीहि। अब हमारा अव्यय भाव समास क्या होता है, तो अव्यय भाव जो है इसमें जो पहला शब्द है देखिए वो अव्यय है और हमने ये अव्यय आपको पहले भी हल्के फुल्के तौर पे अपनी वीडियो में बताए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते। तो ये जो अव्यय भाव है
इस समास में सबसे पहला जो पद होता है वो अव्यय होता है, यानी वो शब्द अव्यय होता है, और ये अव्यय ही जब दूसरे शब्दों के साथ मिलता है तो समस्त पद ही हमारा अव्यय बन जाता है। अब देखिए, जैसे ये आजीवन, तो जीवन तक, तो पहला पद जो है हमारा ये आ, ये हमारा क्या है, अव्यय है। ये किसी भी तरह आप प्रयोग कीजिए, इसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। अब इसकी एक पहचान आपको बता देते हैं कि समस्त पद में अव्यय भाव समास को आप कैसे पहचानेंगे। उसके लिए आपको क्या देखना है कि जो भी शब्द है समास का, यानी जो भी समस्त पद है, उसमें सबसे पहले जो होगा वो एक, देखिए, सु, प्रति, अन, उप, कु, सु, यथा, आ, बे, इस तरह के शब्द होंगे। ये सब हमारे क्या हैं, उपसर्ग हैं। तो आप एक इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो हमारे अव्यय भाव समास होते हैं उनमें सबसे पहला जो पद होता है तो वो हमारा होता है उपसर्ग। अब ये सभी उपसर्ग हैं और इनके सबके अर्थ हैं। दूसरी इसकी क्या पहचान है समास की, वो है कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है थोड़े से मामूली परिवर्तन के साथ। मान लीजिए हाथ है तो दूसरा शब्द भी हाथ आएगा, लेकिन वो हाथ हो इस तरह से आ सकता है। तो एक ही शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है, तो इसकी दो पहचान हुई, एक ये कि जो पहला पद है वो आपका कोई उपसर्ग होगा, और दूसरी हुई कि शब्द की पुनरावृत्ति। अब हम इसको विग्रह कैसे करते हैं, तो विग्रह करने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी हमारा पहला पद है यानी हमारा उपसर्ग है उसका अर्थ लिख देते हैं, या कई बार हम समस्त पद का ही अर्थ लिख देते हैं और वही हमारा विग्रह हो जाता है। अब ये जो अर्थ है ये कई बार शब्द के बाद में भी आ सकता है और शब्द के पहले भी आ सकता है। अब कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, जैसे प्रतिदिन, तो हर दिन, अब प्रति का क्या अर्थ होता है, हर होता है, तो यहाँ पर इसका क्या विग्रह हो गया, हर दिन। इसी प्रकार आमरण, आ का अर्थ होता है तक, ये भी हमारा उपसर्ग है। तो मरण तक, अब यहां पर अर्थ जो आया वो पहले आ गया और यहां पर बाद में आ गया। ये आपको अभ्यास से पता चल जाएगा कि अर्थ जो है वो बाद में लिखना है या पहले लिखना है। अब ऐसे ही जैसे घर घर, हमने आपको बताया ना कि शब्द रिपीट होता है, तो ये देखिए घर घर, अब हर घर, ऐसे ही गली गली, हर गली। आगे है यथाशक्ति, अब यथा का अर्थ होता है अनुसार, तो देखिए शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार भरपूर, पूरा भर के, अब इसका अर्थ लिख दिया हमने, समस्त पद का ही यहाँ अर्थ लिख दिया। भरपेट, पेट भर के, अनुरूप, रूप के अनुसार, अनु जो है इसका अर्थ होता है अनुसार, अब यहाँ बाद में आ गया। बेगम, बिना गम के, बे हमारा ये उर्दू का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बिना। इसी प्रकार यहाँ रिपीट, हमने आपको बताए थे कि शब्द की पुनरावृत्ति होती है, तो ये देखिए हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामूली परिवर्तन हुआ है, पहले हाथों है फिर हाथ हो गया। इसी प्रकार रातों रात, तो रात ही रात में, दिनों दिन एक दिन, बीचों बीच, बीच ही बीच में, पल पल हर पल। दूसरा हमारा समास होता है तत्पुरुष। तत्पुरुष जो समास होता है इसमें विभक्ति का लोप होता है। विभक्ति आप जानते हैं, कारक होते हैं हमारे, आठ कारक होते हैं और आठ ही हमारी विभक्ति होती हैं, तो विभक्ति का लोप होता है, सिर्फ शब्द ही दिखाई देगा बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आप उसका विग्रह करेंगे तो पता चलेगा कि एक विभक्ति उसमें से निकल कर आ गई है। और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारे पास जो है वो समास के अंदर दो शब्द यानी दो पद होते हैं, तो जो हमारा बाद का पद होता है उसे हम उत्तर कहते हैं और जो पहला होता है उसे हम पूर्व कहते हैं। पूर्व का अर्थ वैसे भी पहले होता है, तो इसमें जो बाद का हमारा पद है वो हमारा प्रधान होता है और इसमें विभक्ति का लोप होता है। अब जैसे अकाल पीड़ित,
अब आप इसको बिल्कुल मत देखिए, यहां से देखिए अकाल पीड़ित, हमारे पास शब्द है अकाल और पीड़ित, इसमें लेकिन इसके अंदर क्या है, विभक्ति का लोप है, विभक्ति छिपी हुई है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यहां से ये देखिए हमारे पास से निकल कर आ गया है, तो अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। ऐसे यश प्राप्त, देखिए कोई भी विभक्ति नहीं है, इसके अंदर छिपी हुई है, लोप है इसके अंदर, तो यहाँ पे यश को प्राप्त। ऐसे नगरवास, नगर में वास, ये देखिए षष्ठी विभक्ति आपकी आ गई। अब इधर है रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त, ये देखिए यहाँ पर उद्योगपति, उद्योग का पति, मन चाहा, मन से चाहा। तो जो हमारे तत्पुरुष समास होते हैं इनके अंदर विभक्तियों का लोप होता है। फिर आता है हमारा कर्मधारय, कर्मधारय समास जो है इसमें पहला पद, अभी आपको बताया ना दो पद होते हैं, तो जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा जो पद होता है वो फिर विशेष्य बन जाएगा, क्योंकि जहां विशेषण है वहां विशेष्य होगा ही होगा। या फिर इसका दूसरा भी एक और रूप है, दोनों पदों में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, तो ये हमारे अलंकार में आते हैं। पर आपको बता दें उपमान वो वस्तु या व्यक्ति होता है जिसके साथ तुलना की जाती है, और उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है। विग्रह करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें है, जो या के समान ये लगाते हैं, या तो हम लगाते हैं जो या लगाते हैं के समान। अब जैसे काली मिर्च, तो पहला पद इसका क्या है, विशेषण, काली, काली हमारा क्या है, विशेषण है, और मिर्च, मिर्च विशेष्य हो गया क्योंकि मिर्च की विशेषता काली है। अब काली मिर्च है जो, तो ये इसका विग्रह हो गया, आपको सिर्फ है जो लगाना है। जैसे महान आत्मा है जो, फिर से हमने यहाँ पे ये है जो लगाया, महात्मा, महान आत्मा है जो। इसी प्रकार महाराजा, महाराजा है जो। अब यहाँ पे महा जो है ये आपका क्या है, विशेषण है, राजा क्या है आपका, विशेष्य है। इसी प्रकार ये, अब हमने इसकी दूसरी भी बात आपको बताई है ना कि उपमेय और उपमान का संबंध होता है, तो कैसे होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको कि कनक लता। अब यहाँ पे वैसे तो ये जो कनक है ये हमारा विशेषण ही है, लेकिन हम कनक की तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पे कनक रूपी लता, यानी जो लता है उसका रूप कैसा है, कनक जैसा है। मृग लोचन, मृग के समान लोचन, यहाँ पे हमने आपको बताया ना कि के समान लगाते हैं या फिर है जो लगाते हैं। अगर उपमेय उपमान का संबंध है आपस में तब हम रूपी लगाते हैं, और इस तरह से के समान लगा देते हैं तब हमारा विग्रह हो जाता है। चरण कमल, चरण के समान कमल, यहां भी तुलना हो रही है। ऐसे घनश्याम, घन के समान श्याम, लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, कमल नयन, कमल के समान नयन, इधर हमने नील गगन लिखा हुआ है, नील गगन, तो नील गगन है जो, और सज्जन सत है जो जन। यहाँ पर बच्चों संधि का नियम लगा हुआ है, जब संधि आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे। लाल रुमाल, लाल रुमाल है जो, तो ये जो लाल है या सत है या नील है, ये क्या हुए आपके, विशेषण हुए। तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है, या फिर उपमेय और उपमान का संबंध होता है। इसको हम जब विग्रह करते हैं तो हम लगाते हैं है जो या के समान। अब हमारा चौथा समास आता है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये हमने लिखा हुआ है माता पिता, तो दोनों ही शब्दों का स्वतंत्र अर्थ है। ऐसे अगर हम माता को छिपा देते हैं और पिता है तो भी आप इसका अर्थ समझ जाएंगे, यानी दोनों जो पद हैं हमारे वो अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं और इनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अब इसे हम विग्रह कैसे करते हैं,
हम इसे विग्रह करते हैं और लगाकर। आप सिर्फ आपको और लगाना है और इसका विग्रह हो जाएगा। जैसे माता पिता, माता और पिता, खरा खोटा, खरा और खोटा, लाभ हानि, लाभ और हानि। इसी प्रकार यहाँ राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, दाल रोटी, दाल और रोटी, और रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अब इसकी एक बहुत बड़ी पहचान होती है इस समास की, द्वंद्व समास की, कि जो भी हमारे पद होते हैं उनके बीच में ये एक ऐसा चिन्ह बना होता है, निशान लगा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वैसे। तो बच्चों वहां हमने चिन्ह लगाया हुआ है, लेकिन हमने और आपको बताने के लिए ये बड़ा सा चिन्ह लगा के दिखा दिया है। तो इनके बीच में एक तो चिन्ह होता है, दूसरी इसकी क्या पहचान होती है कि ये दोनों शब्द विलोम शब्द होते हैं, विपरीत शब्द होते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं, या फिर ये जो दोनों शब्द हैं लिंग होते हैं, और कई बार युग्म शब्द होते हैं। युग्म शब्द होते हैं जो हमेशा जोड़ों में बोले जाते हैं, जैसे जीव जंतु, घर बाहर, इस तरह से। तो या तो जो हमारा द्वंद्व समास है उसमें या तो आपके लिंग होंगे दोनों शब्द, जैसे माता पिता, अब ये लिंग हो गए ना, या फिर आपका विपरीत शब्द होंगे, या फिर युग्म शब्द होंगे, और बीच में ये एक निशान यहाँ पर लगा हुआ होगा। अब इसके बाद आता है विगु समास। अब इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद मतलब जो बाद का पद है वो प्रधान होता है, और इसमें जो है पहला शब्द जो है वो आपका या तो कोई गिनती होती है या फिर कोई संख्या होती है। गिनती आपकी संस्कृत की भी हो सकती है, लेकिन पहला पद जो है आपका वो या तो गिनती होगी या फिर कोई संख्या होगी। अब जैसे हमने यहाँ पे आपको उदाहरण भी लिखकर दिखा रखे हैं। अब हम इसे कैसे विग्रह करते हैं? विग्रह करने के लिए हम क्या करेंगे? विग्रह लगाने के लिए हम या तो समूह लगाएंगे या समाहार लगाएंगे। जैसे दो राहा, दो राहों का समूह, सप्तदीप, सात दीपों का समूह, इसी प्रकार पंचवटी, पांच वटों का समूह, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। अब ये जितने भी हैं, ये देखिए ये दो गिनती आ गई, ये देखिए सप्त सात आ गई, हमने बताया ना संस्कृत वाले भी आ सकते हैं, पंच पांच को कहते हैं, त्रि तीन को कहते हैं। तो पहला पद गिनती या संख्या। ये देखिए चौमासा, चौ का अर्थ यहाँ पर चार से है, नवरत्न का नौ, ये देखिए लिखा भी है हमने, नौ रत्नों का समूह, चार मासों का समूह, सप्ताह सात दिनों का समूह, अब पंचमणि पांच मणियों का समूह। तो सब ये देखिए गिनती है। हम इसे किस तरह से करते हैं? हम इसको समूह लगाकर विग्रह करते हैं। अब छठा हमारा है बहुव्रीहि समास। इस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद होता है, बल्कि कोई अन्य पद जो है वो प्रधान होता है। अब अन्य पद क्या है? जो हमारे सामने नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बताना चाहेंगे आपको, कि इसमें जो है वो तीसरे की विशेषता प्रकट होती है। तीसरा कौन है? जो हमारे सामने नहीं है। अब इसके लिए जब हम इसे विग्रह करते हैं तो हम अर्थात लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, हमने लिखा भी है, इसे अर्थात लगाकर विग्रह करते हैं। और जब विग्रह करने के बाद हमको पता चलेगा कि ये किसकी विशेषता है तो उसका भी हमें नाम लिखना होता है। अब देखिए जैसे गिरिधर, अब गिरी को धारण करने वाला, अब ये किसकी विशेषता है? किसने गिरी को धारण किया था? आपको याद होगा कि कृष्ण ने पर्वत को अपनी उंगली के ऊपर उठा लिया था इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए। तो गिरी को धारण करने वाला अर्थात
हमने बताया अर्थात लगाते हैं। अब विशेषता किसकी है, ये है श्री कृष्ण की। इसी प्रकार पीतांबर, इसको अगर हम संधि करें या इसका अर्थ देखें तो पीला अंबर, अंबर कहते हैं गगन को तो कहते ही हैं, हमने एक वीडियो में आपको बताया भी था, और हम वस्त्र को भी कहते हैं। तो पीला या पीले वस्त्र हैं जिसके, अब जैसे दशानन, दस आनन है जिसके, किसके, किसकी विशेषता है, जिसके दस आनन है। आनन कहते हैं बच्चों चेहरे को, मुख को, तो अर्थात रावण। तो रावण की विशेषता है ये, क्या कि उसके दस आनन हैं, दस मुख हैं। इसी प्रकार षडानन, छह आनन है जिसके, यानी जिसके छह मुख हैं, तो वो कौन है, किसकी विशेषता है, ये कार्तिकेय की विशेषता है। और हमने अर्थात लगाकर बता दिया कि किसकी विशेषता है। अब जैसे त्रिलोचन, तीन लोचन नेत्र हैं जिसके, भाई किसके तीन नेत्र हैं, शिव के हैं। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो द्विगु समास भी होते हैं और बहुव्रीहि समास, दोनों में हम इनको रख सकते हैं। तब हमें क्या करना है कि हम इसका विग्रह किस प्रकार कर रहे हैं। मान लीजिए हम उसका विग्रह जो है वो द्विगु के अनुसार कर रहे हैं, यानी समूह लगा रहे हैं, तब हमें उसका नाम जो है वो द्विगु ही लिखना होगा। अगर हम बहुव्री की तरह कर रहे हैं, यानी अन्य की विशेषता बता रहे हैं और किसकी विशेषता है अर्थात लिख कर हम उसका नाम लिख रहे हैं, तब हम बहुव्री लिखेंगे। मान लीजिए आपने उसे विग्रह तो किया बहुव्री के समान, उसमें अर्थात लगा दिया और तीसरे की विशेषता बता दी, और आपने नाम लिख दिया द्विगु, तो फिर ये गलत हो जाएगा। और मान लीजिए आपने द्विगु की तरह कर दिया, समूह लगा दिया, और फिर आपने बहुव्रीहि लिख दिया, तो भी गलत हो जाएगा। तब आपको ये देखना है कि इस समास को हम किस तरह से विग्रह कर रहे हैं, और जिस तरह से आप उसे विग्रह करेंगे उसी प्रकार से आप जो हैं उसका नाम लिख देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण भी आपको दिए हैं जिनको हम दोनों समास के अंतर्गत कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे चतुर्भुज, अब हम इसका द्विगु समास की तरह करते हैं, चार भुजाओं का समूह, तो ये क्या बन गया, द्विगु समास बन गया। और मान लीजिए हम इसको चार भुजाएं हैं जिसकी, किसकी भाई, अर्थात विष्णु, तो ये बहुव्रीहि हो गया। तो इसको किस तरह से आपने विग्रह करना है वो आपका जो एग्जामिनर है यही बात देखेगा। अब जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, तो ये द्विगु समास हमने की तरह इसको विग्रह किया है, समूह लगाया है वहाँ पर। और फिर त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात किसके हैं तीन नेत्र जिसके, तो शिव के हैं, तो ये बहुव्रीहि हो गया। इसी प्रकार कुछ शब्द जो हैं वो बहुव्रीहि भी हैं और कर्मधारय भी हैं, दोनों में आ सकते हैं। फिर से वही बात कहेंगे कि आप इसे किस तरह से विग्रह कर रहे हैं। आप जिस तरह से विग्रह कर रहे हैं इसे, अगर कर्मधारय की तरह कर रहे हैं तो कर्मधारय ही लिखिए, और अगर आप इसको बहुव्रीहि की तरह लिख रहे हैं तो फिर समास का नाम भी बहुव्रीहि लिखिए। अब जैसे कमल नयन, तो कमल के समान नयन, अब यहाँ पे के समान आ गया, तो ये हो गया कर्मधारय, अभी आपको पढ़ाया है एक दो मिनट पहले ही। और अब हम इसे बहुव्रीहि की तरह करते हैं, देखिए कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, तो किसके भाई, किसकी विशेषता है ये, अर्थात विष्णु, तो ये बहुव्रीहि हो गया। इसी प्रकार पीला है अंबर जो, तो ये कर्मधारी है। और पीले वस्त्र हैं जिसके, किसके, विष्णु के, राम के, यानी तीसरे की विशेषता आ गई, अन्य की विशेषता आ गई, तो ये फिर हमारा बन गया बहुव्रीहि। तो मैं बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये समास जरूर समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स और आपके लाइक जो हैं वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। वैसे बच्चों बताने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले जितनी भी हमारी वीडियो आई हैं उन सभी को आपका भरपूर प्यार मिला है, इसी से हमारा हौसला बढ़ा है। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर अगली वीडियो में नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अर्चना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।